अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। टाइम हो रहा है 3:30 बजे का और मैं अपने शहर में आ गया हूँ और एक्टिविटी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज क्या होने वाला है स्पेशल, आज ये है कि हम आज अपनी लारा मिठू के लिए लप्पा मिठू लेने जाएंगे। पन्नी ने ना कितना प्यारा नाम है, लारा और लप्पा की जोड़ी बन जाएगी और उनके एग्स आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, चिक्स आएंगे, कितना मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो मिठू है ना, इसमें काफी देर का टेम कर रहा हूँ लेकिन ये टेम हो नहीं पा रहा, भागता है ये। हालांकि मैंने इसे हाथ से खाना खिलाया है और ये देखें ये ना डरता है अभी। मिठू टेम क्यों नहीं हो पा रहा ये? आ जाओ मिठू, मारता नहीं है वैसे मिठू। आ जाओ मिठू, इसे टेम करने का क्या तरीका है मुझे समझ नहीं लग रहा। हालांकि ये लारा जंगली थी, यानी खुद ब खुद हमारे घर में आई थी हमारे साथ, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे रहती होगी शायद। तो ये हमारे घर आ गई तो फिर मैंने इसे अपने पास रख लिया और ये देखें इतनी जंगली होने के बावजूद ये मारती नहीं। लारा से भी बहुत प्यार हो गया हमें। ये देखें कैसे खेल रही है लारा। हालांकि इस तरह की आंख हो ना तोतों की तो मारते हैं, ये बिल्कुल ये वाइट कर लेती जैसे, तो ये बिल्कुल नहीं मार रही। ये देखें कैसे मैं खेल रहा हूँ। तो लारा का मिठू आएगा, लप्पा मिठू है ना लारा। लारा फिर अंडे देगी, लारा कुछ भी नहीं करती और दूसरा जो है वो भागता है। ये देखें और दूसरा जनाब पता नहीं कहाँ पे भाग गया। ओ ये इधर फंसा हुआ है। ये देख मिठू इधर आओ, ये टेम नहीं हो पा रहा। ये बच्चा मैंने लेके पाला था, मुझे गिफ्ट मिला था उससे मैंने पाला है और ये भागता है। ये देखें मिठू आ जाओ, मिठू मिठू यहाँ पे मेरा फेवरेट पेयर चीकूज का, उनको भी मैंने नेस्टिंग दे दी है। ये देखें इनकी ये वाली नेस्टिंग नहीं होती लेकिन फिलहाल मैंने इन्हें ये वाली नेस्टिंग दे दी है। देखते हैं ये अब क्या करते हैं इसके साथ। इन्होंने भी अब अंडे और बच्चे देने हैं ये पेयर ने भी। और यहाँ पे मैंने दो बॉक्स लगाए हैं, एक वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो दो पेयर यहाँ पे थे मेरे पास और मैंने कहा इनके लिए भी बॉक्स लगा देते हैं। ये बॉक्स लगा दिए हैं, अब इन्हें भी नेस्टिंग मैं दे देता हूँ, इन्हें भी नेस्टिंग दे देते हैं। ये नेस्टिंग है तो इन दोनों के लिए इतनी काफ़ी होगी। चलो मिठू नेस्टिंग में रख दिया, इसे नीचे उठाएंगे अपने बॉक्सेस में लेके जाएंगे और अपने घर बनाएंगे। ये एक ये बॉक्स है, ये बाहर की तरफ लगा हुआ है और ये वाला अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और गाइस एक मैं आपको नेस्टिंग ऐसी चेक करवाता हूँ कि बहुत ही क्लासिकल उन्होंने बनाई है, किचर का पेड़ है वो, यानी कि लव बर्ड का, इतनी जबरदस्त उसने नेस्टिंग बनाई है, वो दिखाता हूँ आपको। ये वाला बॉक्स है तो इसकी नेस्टिंग बहुत ही जबरदस्त बनी हुई, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे ना कारीगर ने सुरंगे बनाई है। ये देख इसने सुरंगे बनाई है दो, एक सुरंग इधर को जा रही है, ठीक है, एक सुरंग ये बनाई हुई है जैसे खरगोश बनाते हैं खरगोश, वैसे इसने दो सुरंगे बना दी और ऊपर से जाल इस तरह बुन के बड़ा प्यारा सा नेस्ट इसने बनाया अपना। ये देख ये पेड़ बहुत प्यारा पेड़ है और इसने नेस्ट भी बहुत प्यारा बनाया। हो जाएगा लेकिन अभी एक थोड़ा टाइम लगेगा।
चेंज करेंगे। मिठू मारता नहीं है वो, मिठू इसका देखें चोंच को मैंने पकड़ा लेकिन इसने मारा नहीं। मिठू टेम हो जाओ, मिठू जहां पे गए सॉफ्ट फूड भी आ गया, ये भी इन्हें डाल देता हूँ। तो चलते हैं मार्केट और लारा के लिए मिठू लेके आते हैं, लप्पा मिठू। ठीक है, ये सॉफ्ट फूड डाल देता हूँ मैं, तो चलते हैं मार्केट। ये वाला मिठू ले रहा हूँ मैं, देखते हैं कितना प्यारा है। शॉप पे आए हो अभी, लाइट गई हुई है। मिठू पसंद आ गया, रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बड़ी शॉप पे भी लेके जाऊंगा। जी गाइस, मैं आ रही हूँ घर और पैरेट में ले आए हूँ। ये देखें लारा का हम लप्पा ले आए हैं, तो इसको अब मैं अकेला छोड़ूंगा कुछ दिन के लिए, फिर इसके साथ हम लारा को रखेंगे। ये वाइल्ड है तो वाइल्ड जानवर को पहले अलग रखते हैं, मेल को उसके बाद फीमेल अटैच करते हैं, फिर ये पेड़ बन जाएगा, फिर इसके अंडे आएंगे और बच्चे आएंगे। तो वहाँ पे मैंने इसका रूम सेट किया है, इस जगह पे ये रूम सेट किया है। उस जगह पे जाली थी और मैंने साथ एक शीट लगा दी लकड़ी की ये वाली, क्योंकि यहाँ पर हैं लव बर्ड्स, ताकि ये उसे मारे ना। तो इसे हम छोड़ते हैं अब इस केज में यहाँ पे, और इसका बॉक्स भी ये लगा हुआ है, तो इसमें भी ये अपने अंडे बच्चे यहाँ पे देंगे। तो इस मेल को यहाँ पे छोड़ते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। गाइस ये देखें, इसके अंदर मैंने इसे रख दिया है इसके केज में, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ये टोटल जंगली है, जंगली में लेके आया हूँ, वाइल्ड है ये। मुझे ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो फिर मैं ये ले आया हूँ। मिठू इसे भी दाना और पानी भी डालते हैं, इस जगह पानी है और इधर हम दाना रखेंगे, यहाँ पे बर्तन। इसकी दुम और पार दोनों कंप्लीट हैं और बिल्कुल फ्रेश है ये, ज़बरदस्त। लारा के लिए ये आ गया है लप्पा। लप्पा बड़ा जालम है, मारने वाला है ये, तो इसने मुझे काटने भी लगा था। ये इसका दाना आ गया, दाना इसका रख देते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ गया इसका दाना, और यहाँ पे पानी हम डालेंगे। ये पानी मैंने तैयार किया विटामिन डाल के, और इसके अंदर एंटीबायोटिक भी डाला है, ताकि कोई बीमारी वगैरह इसको होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, जरासीम वगैरह। ये भी हो गया काम कंप्लीट। बॉक्स जरा उतार ना दें फिलहाल, लारा को भी रखेंगे। ये देख, मिठू अपने नए घर में आके बहुत खुश लग रहा है, डर भी नहीं रहा इतना ज़्यादा। लारा को मैंने इधर हैंग कर दिया इसका पिंजरा, ये देखें इस पिंजरे के साथ, क्योंकि इकट्ठा भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो है ना हमारा रिंगनेक पैर जो है वो इसे मार सकता है, तो बाइट वगैरह, तो इसलिए हम इसे थोड़े दिन के लिए इधर रखेंगे। और वो देखेगा कि यहाँ पे फीमेल है, तो इसका पेड़ इस तरह से जल्दी बन जाएगा। इसका अलहदा खाने पीने का हिसाब है, अलहदा पिंजरा है, वही इसका यहाँ पे हैंग कर दिया। कुछ दिन बाद इसको हम लप्पा के साथ छोड़ देंगे और यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे लकड़ी वाला जो पहले लगा हुआ था, और फिर ये ब्रीड करेंगे। हेलो लारा, लारा कैसी हो? लारा, लारा का लप्पा आ गया है, लारा का लप्पा आ गया है, हैं लारा? लारा बड़ी खुश हो गई है, यहाँ पे इसका मेल आ गया। गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।